फ्रेंड्स हाउ आई यू माई नेम इज़ डॉक्टर ज्योति सिंह एंड टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर वन फ्रॉम क्लास इलेवेंथ बायोटेक्नोलॉजी बुक सो दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द इंट्रोडक्शन दैट इज़ वट इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड हाउ इट गेट स्टार्टड सो लेट स्टार्ट एंड हम जो है इस चैप्टर को रीड करेंगे एन सी ई आर टी की बुक से और उन टर्म्स को और उन चीज़ों को मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी साथ ही साथ में तो आपको ये और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी और एन की बुक एक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है तो इसे पढ़ना तो मस्ट ही है ठीक है इसके अलावा अगर आप और ज़्यादा जान जाना चाहते हैं इन टॉपिक्स के बारे में तो आप मेरे और डिटेल एक्सप्लेन एक्सप्लेशन वीडियोज़ भी देख सकते हैं बट इस वीडियो में हम एन को फर्स्टली रीड करेंगे सो लेट्स स्टार्ट तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया है कि व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी कहाँ से शुरू होती है तो थोड़ा सा हमें हिस्ट्री भी जानना चाहिए ठीक है क्योंकि उसी से हमें अंदाज़ा लगता है ना कि बायोटेक्नोलॉजी मतलब एक एक नया कोई अलग से साइंस नहीं आ गया है जो पहले से ही चीज़ें मतलब कोई भी चीज़ एक एक, आ एक तो नहीं आती है ना ऑल ऑफ ए सडन कोई भी चीज़ नहीं हो जाती है सो स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें इवॉल्व होती हैं और जब हम जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ता है जैसे आप अभी अगर अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल टर्म्स में समझाऊं जैसे आप मोबाइल फ़ोन का एवोल्यूशन देखते हो कि सबसे पहले फ़ोन आया लैंडलाइन फ़ोन था उसके बाद जो है हमारे पास धीरे धीरे सेलुलर uh, फ़ोन्स आए मोबाइल फ़ोन्स आए उसके बाद टच स्क्रीन्स आए है ना इस तरीके से आप देखते हो मोबाइल का एवोल्यूशन वैसे ही बायो टेक्नोलॉजी भी इसी तरीके से आया तो अगर हम वर्ड मीनिंग के फॉर्म में देखें कि बायोटेक्नोलॉजी का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें कि बायोटेक्नोलॉजी का लिटरल मीनिंग क्या होता है तो ये दो वर्ड से बना है बायोटेक्नोलॉजी वर्ड दो वर्ड से बना है ठीक है एक वर्ड है बायो और दूसरा नाम है टेक्नोलॉजी यानी कि वो इंजीनियरिंग या वो टेक्नोलॉजी जिसमें बायोलॉजिकल थिंग्स इन्वॉल्व ठीक है जैसे कि बायोलॉजिकल थिंग्स क्या हो सकते हैं बायोलॉजिकल थिंग्स क्या हो सकते हैं जैसे कि कोई भी एनिमल हो सकता है ठीक है एनिमल हो सकता है या कोई प्लांट हो सकता है या कोई माइक्रोब हो सकता है ठीक है कोई माइक्रोब हो सकता है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम कहते हैं वो हो सकता है सो so, So, biotechnology is the term is a combination of two words, bio and technology. Two so, words' ka combination of bio and technology. Bio means any biological thing like plant, animal, or micro. Okay. So, bio means biological systems or processes, and technology refers to methods, systems, and devices used to make useful products from these biological. सिस्टम्स ठीक है तो बायोलॉजिकल सिस्टम को यूज़ करके हम नए तरीके के प्रोडक्ट्स नए तरीके के डिवाइसेस कैसे बना सकते हैं यही चीज़ हम बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी करते हैं मीन जैसे कि अगर हम देखो कि बायोटेक्नोलॉजी जैसे इस समय अगर हम देखें कि तो बायो फ्यूल्स बन रहे हैं ठीक है बायोफ्यूल्स मतलब कि जैसे कि हमारे पास पेट्रोल डीजल है तो हम ये ये सब क्या है फॉसिल फ्यूल से पेट्रोल और डीजल तो ऐसा माना जा रहा है कि ये पेट्रोल और डीजल कुछ टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो जाएंगे ख़त्म हो जाएंगे अर्थग्रस्त से तो फिर क्या होगा तो उसके लिए हमें ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स चाहिए तो उसी के लिए हम बायो फ्यूल्स बना रहे हैं या बायो इथेनॉल भी इसको कहते हैं तो ये यहाँ पे बायोफ्यूल भी एक बायोटेक्नोलॉजी का इन्वेंशन है मींस कि जैसे कि हम कुछ माइक्रोब्स को यूज़ कर रहे हैं कुछ चीज़ों को फर्मेंट करने के लिए जिससे कि हम इथेनॉल का प्रोडक्शन करें और उस इथेनॉल को हम पेट्रोल और डीजल की जगह पर यूज़ करेंगे ठीक है तो ये हो गया बायोफ्यूल ओके तो अब ये भी बायोटेक्नोलॉजी से बना कैसे क्योंकि जो हम अल्कोहल बना रहे हैं उसमें हमने यूज़ किया कुछ माइक्रोव्स जो कि कुछ चीज़ों को सड़ाए जैसे कि बहुत सारे हम जो शुगर केन के टॉप है उनको सड़ा सकते हैं फर्मेंट कर सकते हैं फर्मेंटेशन से ही अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है ये तो आपको पता ही होगा टेंथ में आपने पढ़ा है ओके okay, तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस से हमने इथेनॉल बनाया और इथेनॉल को हमने एज ए बायोफ्यूल्ड यूज़ किया सो दिस इज़ वन एग्जांपल और वन एस्पेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की आपने देखा कि कैसे हम बायोलॉजिकल थिंग्स को टेक्नोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं या कोई नई चीज़ बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है जिससे हम बना रहे हैं वो बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है ठीक है क्योंकि हम फर्मेंटेशन करने के लिए ईस्ट का यूज़ कर रहे हैं या कोई और माइक्रोब यूज़ कर रहे हैं सो दस बायो टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज डैट मेक यूज ऑफ लिविंग सेल्स एंड और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स टू जनरेट यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ मैन काइंड तो यहाँ पर अगर हम और प्रिसाइज देखें कि जरूरी नहीं है कि कोई हम माइक्रोव को यूज़ करें कोई प्लांट को यूज़ करें हम किसी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को भी यूज़ करके नई चीज़ बना सकते हैं जैसे कि अगर हम कहें कि आ, हमने कोई माइक्रोव नहीं यूज़ किया हमने कोई इंजाइम यूज़ किया ठीक है जैसे कोई भी माइक्रोव एक्शन कैसे करता है जैसे हमने अगर कर्ड की बनाने की प्रोसेस देखी होगी तो वो माइक्रोव क्या करता है वो माइक्रोव जब ग्रो ग्रो करता है अपनी संख्या बढ़ाता है दूध के अंदर जब हम उसका एक जो है जामन डालते हैं तो जब वो अपनी संख्या बढ़ाता है तो इस प्रोसेस में अपनी संख्या बढ़ाने के प्रोसेस में उसका एक बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है जिसको कि हम लैक्टिक एसिड कहते हैं तो अगर हम माइक्रोब न डाल करके सीधे लैक्टिक एसिड डाल दें ठीक है तो भी हमारा जो है जो हमारा मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है तो कई बार आपने देखा होगा okay, कि विनेगर डालते हैं लोग दूध को दही बनाने के लिए जल्दी से तो ये भी एक प्रोसेस है कि हम सीधे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म uh, को ना यूज़ करके उसका जो प्रोडक्ट है जो एंजाइम है उसको यूज़ करें तो उसको भी हम बायोटेक्नोलॉजी का ही एस्पेक्ट कहेंगे ओके सो द मैन काइंड हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग बायोटेक्नोलॉजी सिंस लॉन्ग तो ऐसा नहीं है कि ये जो टर्म है बायोटेक्नोलॉजी इसका एवोल्यूशन अब हुआ है इसका ईजाद अब हुआ है लेकिन हम अगर देखें कि हम ह्यूमन बींग्स अपने बेनिफिट के लिए एनिमल्स प्लांट्स माइक्रोब्स का यूज़ तो बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं बट हम उसको साइंस का नाम नहीं देते थे हम उसको आर्ट का नाम देते थे कि वो हमारा एक ट्रेडिशनल नॉलेज है वो हमारा एक कल्चर है ठीक है वो एक आर्ट का फॉर्म था बट जब जैसे जैसे क्योंकि आर्ट का नाम इसलिए था क्योंकि हमें पता नहीं था कि इसके पीछे कोई ऑर्गेनिज़म है कोई माइक्रोब है ठीक है हमें उसके पीछे का मेकेनिज्म नहीं पता था उसके पीछे की साइंस नहीं पता थी जब हमें पता चल गया कि कोई भी चीज जो जिसको हम आर्ट uh, कह रहे थे उसके पीछे का मेकेनिज्म क्या है तो हमने उसको बायोटेक्नोलॉजी कहना शुरू किया ठीक है सो द मैन का बीन प्रैक्टिसिंग बायोटेक्नोलॉजी सिंस लॉन्ग राइट फ्रॉम द डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप एंड कैटल इन द व्यूलिथिक एज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स टनोलॉजी इन uh, uh, bread, चीज एंड वाइन तो पहले भी लोग जो है चीज बनाते थे ब्रेड बनाते थे वाइन बनाते थे इन सब चीजों में भी आ, ये ऐसे बनती कैसे ऐसे ऑल ऑफ ए सडन तो किसी को नहीं पता चल गया होगा कि चीज कैसे बनाते हीट एंड ट्रायल मैथड से कई बार कोई चीज़ हमने गलती से छोड़ दी ऐसे ही और वो सड़ गई तो हमने देखा कि यार इसका किया क्या जा सकता है इसका कुछ नया किया जा सकता है क्या तो इसी हीट एंड ट्रायल मैथड में उनको ब्रेड बनाना आ गया है ना जैसे कोई आटा गूंद के रखा और उसको छोड़ दिया बहुत देर तक फिर वो फर्मेंट हो गया आटा तो उसमें लगा कि यार इसका क्या कर सकते हैं तो जब उससे उन्होंने ब्रेड बनाया तो उन्होंने देखा कि जो नॉन फर्मेंटेड आटे से जब हम ब्रेड बनाते थे तो ये तो उससे भी बेटर बन गया तो फिर अब उन्होंने जान के उसको जो है थोड़ी देर के लिए छोड़ना शुरू कर दिया कि वो फर्मेंट ही हो जाए और फिर मैं उससे ब्रेड बनाऊँ तो इस तरीके से ये ट्रेडिशनल नॉलेज जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ऐसे ऐसे करके ट्रांसफर होती गई बट अभी भी इसको हम बायोटेक्नोलॉजी नहीं कहते हैं ऐसे ही इसी तरीके से वाइन अल्कोहल इन सब का भी फर्मेंटेशन हमें ऐसे ही बाई चांस पता चला ठीक है तो वो सब ट्रेडिशनल नॉलेज का हिस्सा है हम बहुत पहले से ये सब करते आ रहे हैं ओके हाउ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट विच इन्वॉल्व नॉलेज शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट एरियाज ऑफ साइंस सच सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी माइक्रो बायोलॉजी जेनेटिक्स एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी बायो केमेस्ट्री कंप्यूटर साइंस एंड रिकॉम्बिनेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी जिसको कि हम शॉर्ट में आर डी एन ए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं ओके okay? सो so, जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है जो अभी हम बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं कि अब बायोटेक्नोलॉजी को हम डिफाइन क्या करें तो बायोटेक्नोलॉजी इज़ अमलगमेशन एक कॉम्बिनेशन है डिफरेंट डिफरेंट डिफरें डिफरें डोमेन्स के नॉलेज का क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एक बेसिक साइंस नहीं है एक्चुअली बायो साइंस बायोटेक्नोलॉजी क्या है वो एक अप्लाइड साइंस है ठीक है जैसे कि कंप्यूटर साइंस पर बहुत लोग बेसिक रिसर्च करते हैं ठीक है जेनेटिक्स uh, में बेसिक रिसर्च करते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब में बेसिक रिसर्च करते हैं बट उस रिसर्च का क्या होता है कि एप्लीकेशन हमें नहीं मिलता कि हमने रिसर्च तो की जैसे कि रेडियो वेव्स तो किसी ने खोज दी बस इस रेडियो वेव का एप्लीकेशन क्या है ठीक है तो जो एप्लीकेशन पोर्शन है वो फिर हम बाद में उसका एप्लीकेशन खोजा गया वैसे ही बहुत सारी टेक्निक्स हैं जैसे कि हम आ ये कह सकते हैं कि हमने जैसे माइक्रोस्कोप्स बनाए तो माइक्रोस्कोप्स बनाए हमने मैग्नीफाई करके देखा तो उसका एप्लीकेशन कहाँ हुआ बायोलॉजी में हुआ ठीक है हमने फिज़िक्स की कोई लॉज बनाए तो उसका एप्लीकेशन कहाँ हुआ बायोलॉजी में हुआ हमने जेनेटिक्स के कोई फॉर्मूले खोजे तो उससे हमने क्या किया uh, मतलब किस तरीके से उसको इंडस्ट्रियली एप्लीकेशन बनाया किस तरीके से ह्यूमन बींग्स को बेनिफिट देने का हमने काम किया कोई हमने फिजिक्स के प्रिंसिपल पर डायग्नोस्टिक किट बनाया तो उस डायग्नोस्टिक किट का एप्लीकेशन कहाँ हुआ बायो में हुआ बायोटेक्नोलॉजी में हुआ तो बायोटेक्नोलॉजी क्या करता है कि डिफरेंट डिफरेंट Uh, जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिजिक्स है सेल है मोलिकुलर बायोलॉजी माइक्रो बायोलॉजी है इन सब के बेसिक कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन पोर्शन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी कैटर करता है ठीक है तो इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी में आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी जिसमें कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना बहुत जरूरी है और आ, कोई भी एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट सब कुछ तो नहीं जान सकता लेकिन हाँ बायोटेक्नोलॉजिस्ट किसी भी एक टॉपिक का एप्लीकेशन पोर्शन ढूंढने की कोशिश करता है ओके सो दिस चैप्टर विल इलेबोरेट ऑन द हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रैक्टिस एंड द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे पुराने जमाने से शुरू होते 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 आज के मॉडर्न फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हम पहुंचे हैं तो क्या होता है कि एक ही रिसर्च तो हम बार बार नहीं कर सकते हैं जो चीज़ ढूंढी जा चुकी है बनाई जा चुकी है अब हम उसके और नए नए जो नए नए साइंस में खोज हो रहे हैं जो बेसिक साइंस में रिसर्च हो रही है उसका एप्लीकेशन पोर्शन हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ढूंढते हैं कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को इस प्रिंसिपल को हम और बेहतर तरीके से और एडवांस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ताकि हम और बेहतर रिज़ल्ट पा सकें ओके सैन मेजर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन क्योंकि मेडिसिन ह्यूमन बींग्स के लिए बिल्कुल ही बहुत एक ज़रूरी एस्पेक्ट है क्योंकि मेडिसिन uh, जो है हमारी हेल्थ को गवर्न करती है इसीलिए मेडिसिन के एरिया में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है नई नई ड्रग्स नई नई मेडिसिन उनके काम करने का जो मिकैनिज़्म है वो हम हमने ढूंढ निकाला है बहुत सारे बेसिक साइंसेस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी मदद से ठीक है कि वो दवाइयाँ हमारे शरीर में जा करके के किस मेकेनिज़्म से काम करती हैं तो कौन सी दवाई कैसे देनी चाहिए कितनी मात्रा में देनी चाहिए ये सब रिसर्च जो है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हुई है एंड देन एग्रीकल्चर में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है हमें नई नई तरह की वैरायटी ऑफ क्रॉप्स बनी है जो कि कम पानी और कम खाद में हाई हिल देती हैं जो कि ड्रॉट रेजिस्टेंट है सॉल्ट रेजिस्टेंट है स्ट्रेस रेजिस्टेंस है तो इस तरीके जो बहुत सारे कीटाणुओं या बहुत सारे माइक्रोब्स के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट है डिजीज़ रेजिस्टेंस प्लांट है तो एग्रीकल्चर में भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है एंड देन फूड एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन ठीक है फूड कंजर्वेशन में कि सबको फ़ूड मिले सब खासकर जो फूड की शेल्फ़ लाइफ है ठीक है जैसे खाना जो है या कोई भी क्रॉप प्लांट है या कोई भी वेजिटेबल है वो एक हफ्ते में ख़राब हो जाता है अगर हम उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा दें तो उसकी वेस्टेज कम हो जाएगी तो इस चीज़ को भी जो है बायोटेक्नोलॉजी ने कैटर किया है पैकेज फूड मटेरियल को भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने बहुत सारे पैक्ड फूड मटेरियल अब मिलते हैं जो कि पहले नहीं मिला करते थे और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में भी हमने बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ किया है एज वेल एज द करेंट सीनेरी ऑफ इंडियन बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर तो थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव देख लेते हैं कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी, ठीक है तो ये भी काफ़ी मज़ेदार है एंशियन बायोटेक्नोलॉजी उस वक्त क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी का नाम तो नहीं था बट येस yes, अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन वाइज देखें तो आज हम कह सकते हैं कि ये yes, वो भी एक बायोटेक्नोलॉजी था यानी कि बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का एप्लीकेशन था ठीक है और उससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिला जैसे कि एंशियन बायोटेक्नोलॉजी हैड टेकन रूट्स एज अर्ली एज इन द दैलियोलिथिक एरा अराउंड टेन थाउजेंड ईयर्स अगो टेन थाउजेंड ईयर्स अगो से ही हमारी बायोटेक्नोलॉजी शुरू हो चुकी थी एंड वेन अर्ली फार्मर्स बिगेन टू कल्टिवेट क्रॉप्स सच एज वीट एंड बार्ले तो वीट और बाड़े ये सब हम खेती कर रहे हैं पहले ये वाइल्ड वैरायटीज थी इन वाइल्ड वैरायटीज से हमने इन वैरायटीज को फिर बार 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 सो करना शुरू किया अपने हिसाब से ठीक है अपने हिसाब से अपने एरिया के लैंड पे तो हमें ये सब प्लांट्स जो हैं हम अपने खाने के लिए यूज़ करने लगे सो सिविलाइजेशन प्रेवलेंट इन सहारा रीजन ऑफ अफ्रीका व सक्सेसफुली डोमेस्टिकेटिंग शीप गोट एंड कैटल एंड वर फेमिलियर विद द टेक्निक्स ऑफ हंटिंग एंड द पोटेंशियल यूज ऑफ फायर तो जो सहारा रीजन की सिविलाइजेशन थी उनको भेड़ बकरी पालना पशुओं को मतलब पशुओं से जो एनिमल्स हैं उनसे भी अपने लिए बेनिफिट लेना जैसे शीप से वूट वूल लेते हैं गोट से मिल्क एंड मीट लेते हैं कैटल गाय भैंस से दूध लेते हैं ये सब चीज़ें उनको पता थी तो तो ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है कि आप रियरिंग ऑफ एनिमल्स और रियरिंग ऑफ एनी बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बींग्स ओके सो पीपल कलेक्टेड द सीड्स ऑफ वाइल्ड प्लांट्स फॉर कल्टिवेशन एंड डोमेस्टिकेटेड सम स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लिविंग अराउंड देन ओके एग्जीक्यूटिव वॉट इज नाउ नोन एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग तो उन्होंने कुछ एनिमल्स को जैसे गाय भैंस पालना बकरी पालना इस तरीके से उन्हीं की बार बार ब्रीडिंग करके उनकी संख्या बढ़ाई ताकि उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकें वाइन देन हाउ एवर द मोस्ट क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द मिडवियल टाइम्स मिडवियल मतलब पुराने समय में ओके मिडवियल मतलब पुराना समय में टाइम्स इज द यूज ऑफ फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी तो सबसे जो अगर एक पाथ ब्रेकिंग बिल्कुल ही कट uh, थ्रू अगर आप देखा जाए तो फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन मतलब किसी चीज को फर्मेंट कर देना सड़ा देना मतलब बहुत ज्यादा नहीं सड़ाना लेकिन उसका फॉर्म चेंज कर देना इतना भर ठीक है जैसे हम इडली डोसा बनाते हैं तो जो इडली का या डोसा का जो बैटर होता है उसको नाइट में जो है पीसते हैं और पीस करके रख देते हैं और सुबह जब वो थोड़ा फर्मेंट हो जाता है तो उससे फिर हम डोसा या इडली बनाते हैं तो उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं ठीक है और या फिर हम जो अल्कोहल बनाते हैं तो ये हमने देखा कि हम बायोटेक्नोलॉजी वर्ड तो नहीं जानते थे लेकिन ये ये सब टेक्निक्स हम पहले से बहुत पहले से एंशन टाइम से ही यूज़ कर रहे हैं तो वो भी एक बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड चीज़ वाइन बियर ये सब चीज़ें फर्मेंटेशन से हम पहले भी लेते रहे हैं ओके सो साइंस एंड ट्रेडिशनल नॉलेज हैव ऑलवेज गॉन हैंड इन हैंड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस बेनिफिशियल रिजल्ट तो साइंस तो है ही साइंस हमेशा नई नई चीजों की खोज करती रहती है लेकिन साथ ही साथ ट्रेडिशनल नॉलेज भी चलता है ट्रेडिशनल नॉलेज कैसे आता है डोमेन में पब्लिक डोमेन में कि जैसे किसी पर्सन ने किया तो वो अपने बच्चों को या अपने रिलेटिव्स को वो सब चीज़ें बताता है कि ऐसे करने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है तो एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन दूसरे जेनरेशन से तीसरे जेनरेशन इस तरीके से ट्रेडिशनल नॉलेज पास ऑन होते होते रहती है लेकिन उसमें दिक्कत ये होती है कि उसमें उसके पीछे का साइंस नहीं पता होता उसमें किसी का मेकेनिज़्म नहीं पता होता बट ये है कि हाँ वो बेनिफिशियल है जैसे कि आपको मैं बता दूँ जैसे कि धूप में बैठ के किसी को बहुत अच्छा लगा उसका मूड बहुत फ्रेश हो जाता है हाँ और उसको मतलब थोड़ा सा आराम मिलता है उसकी बॉडी हेल्दी रहती है ये सब चीज़ें हमें पहले से पता थी तो हम सूर्य नमस्कार एक इंडियन कल्चर में है हम सूर्य नमस्कार हमेशा से करते थे ओके okay. बट हमें उसके पीछे का साइंस नहीं पता था बट अब हमें पता है कि अर्ली आर्स में सूर्य नमस्कार करने से या थोड़ी देर सन में बैठने से हमारे अंदर बहुत सारे हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होता है हमारी बॉडी को विटामिन डी मिलता है तो उसके पीछे का साइंस अब हमें पता चला है तो हम उसको बेहतर तरीके से अप्लाई कर रहे हैं वैसे ही बायोटेक्नोलॉजी के साथ भी हुआ है कि बहुत सारे ट्रेडिशनल नॉलेज तो पब्लिक डोमेन में था बट वो साइंस क्या है उसके पीछे ये चीज़ नहीं पता थी हमें ठीक है थीके? देन ग्रेटर एफर्ट्स आर बींग मेड टू डॉक्यूमेंट एंड यूटिलाईज द इंडियन ट्रडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी तो बहुत सारे एफर्ट्स डाल रहे हैं कि ट्रेडिशनल नॉलेज को डॉक्यूमेंट किया जाए इकट्ठा किया जाए कि ये नॉलेज क्योंकि कुछ ट्राइब्स में कुछ लोगों के बीच में ट्रेडिशनल नॉलेज होती है बट उसकी जानकारी मास्टर्स को नहीं होती है ठीक है जैसे मुझे कुछ किसी तरीके का खाना बनाने आता है लेकिन वो सबको नहीं पता है अगर मैं उस चीज़ को डॉक्यूमेंट करता हूँ तो माइट भी जैसे मैंने फेसबुक पे डाल दिया या कोई किताब छाप दी तो वो नॉलेज एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकती है ये चीज होता है इंपॉर्टेंस होता है डॉक्यूमेंटेशन का आप कोई भी रिसर्च करते हैं उसको मासेस तक लोगों तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है जितना कि वो रिसर्च करना जरूरी है नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपने क्या किया है और वही काम फिर से हो सकता है रिपीटेड हो और उसको हो सकता है रिपीट होने में भी सौ साल लग जाए तो डॉक्यूमेंटेशन भी उतना ही जरूरी है चीजों की ऐसा माना जाता है कि इंडियन कल्चर में बहुत सारे ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्लांट्स की नॉलेज इंडियन पीपल को थी एनिमल्स की थी क्योंकि वो Uh, उसका यूज uh, उससे बेनिफिट लेते रहते थे ओके देन द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग फर्मेंटेड फूड सच इज़ दही हमारे ट्रेडिशनल में दही बनता है इडली बनता है काइनेमा बनता है एंड बेवरेज यूजिंग लोकल बायोलॉजिकल रिसोर्स वॉज कॉमन इन मेडविल इंडिया तो ये बहुत सारी चीज़ें इंडियन कल्चर uh, का हिस्सा थी सो द रेलिवेंस ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज इन मेकिंग कर्ड और दही हैज़ बीन इंडिकेटेड इन फ्यू ऑफ द पेटेंट्स फाउंड इन यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट तो डेटा बेस प्रिपरेशन ऑफ कर्ड इज गिवेन इन बॉक्स वन तो बहुत सारे यूएस पेटेंट के डेटाबेस में भी इस ट्रेडिशनल नॉलेज का जिक्र है कि ये इंडिया से शुरू हुआ है दही का जो बनना है ठीक है सो फर्मेंटेशन कैन बी एक्सप्लेन एज ए बायो माइक्रोबियल प्रोसेस इन विच इन्जाइमेटिकली कंट्रोल कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर तो फर्मेंटेशन क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जो कंपाउंडस कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हैं जैसे कि ग्लूकोज सी सिक्स तो oh so, ये भी इसका भी फर्मेंटेशन हो सकता है तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उस सब्सटेंस में है जैसे मिल्क में है या वीट में है या बाड़े में है इनको अगर हम आ, किसी माइक्रोब्स के साथ रहें रखें तो वो माइक्रोब्स क्या है कि इन चीजों को यूज करते हैं अपने आप की ग्रोथ के लिए और इस ग्रोथ के दौरान वो कुछ एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं और उस एंजाइम की वजह से इनका फॉर्म जो है वो चेंज हो जाता है ठीक है ये ये ग्लूकोज से फिर अल्कोहल में चेंज हो जाएंगे ओके तो अल्कोहल में चेंज हो जाने हो हो जाने की प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन हो रहा है तो इंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड है तो ये इंजाइम रिलीज कहां से होता है उन माइक्रोब से जो कि हमने इनके फर्मेंटेशन के लिए इस कल्चर uh, में रख रखा है जैसे कि कर्ड को बनाते हैं तो कर्ड का बैक्टीरिया भी कुछ इंजाइम रिलीज करता है जिससे कि हमारा कर्ड जो है वो जो हमारा मिल्क है वो कर्ड के फॉर्म में चेंज हो जाता है सो फर्मेंटेशन वॉज प्रैक्टिस फॉर ईयर्स विदाउट एनी एक्चुअल नॉलेज ऑफ द प्रोसेस इन इन्वॉल्व तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमें इसके पीछे का साइंस नहीं पता था बट ये आर्ट के फॉर्म में हमारे ट्रेडिशनल uh, नॉलेज का हिस्सा था ठीक है आर्ट ऑफ लिविंग का हिस्सा था देन फर्मेंटे फर्मेंटेड डो वॉज डिस्कवर्ड बाय एक्सीडेंट तो फर्मेंटेड डो का जो है डिस्कवरी एक्सीडेंट से ही हुई होगी कि भाई किसी ने आटा गूंद के रखा पर इसको यूज़ करना भूल गया तीन चार पाँच घंटे हो गए तो देखा कि ब्रेड में ब्रेड में फर्मेंटे वो जो आटा है वो फर्मेंट हो गया है थोड़ा सा उसके अंदर पोर्स आ गए हैं और वो थोड़ा सा उसमें खट्टा खट्टा स्मेल आ रहा है तो उसने सोचा कि चलो इसका ही बना के देखते हैं ठीक है देन सो फर्मेंटेड डो वॉज डिस्कवर्ड बाय एक्सीडेंट बैन डो वॉज नॉट बेड इमीडिएटली एंड कॉन्सिक्वेंटली इट अंडरवे फर्मेंटेशन बाईस्ट सच विंग लॉन्की तो हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें हर जगह माइक्रोब्स है ठीक है हर जगह माइक्रोब्स माइक्रोव्स हमारे इन्वायरमेंट में हर ही जगह माइक्रोब है तो सेचरोमाइसिस विंग लॉन्की जो है ये एक तरीका यस्ट है जो कि इन्वायरमेंट में ऐसे प्रेजेंट होता है तो so, उस फर्मेंटेड डो में हमने जब साइंस के थ्रू इन्वेस्टिगेट किया तो हमें ये स्पीसीज उस डो में से मिलती है तो हम ये कहते हैं कि यही रिस्पॉन्सिबल है डो के फर्मेंटेशन करने के लिए ओके सो इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया एक्सपोर्ट ब्रेड टू द ग्रीस एंड रोम इन एफर्ट्स टू इम्प्रूव द टेक्निक बेकर सीस्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय द रोम बेकर सीस्ट भी की भी डिस्कवरी हुई कि भाई ये प्रोसेस एक तरीके से रेडीमेड हो कि हम बिल्कुल पिन पॉइंटेड कह सके कि यही चीज़ कई बार जैसे किसी ने डो फर्मेंट किया तो उसका डो उतना अच्छा फर्मेंट नहीं हुआ क्यों हर बार हर जगह पे एक ही अमाउंट में सचरू माइंड लॉन्की हो ये ज़रूरी नहीं है तो फिर उन्होंने इस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज किया एक बेकर्स ईस्ट को आइसोलेट किया उन्होंने और उसको फिर एक फॉर्म में बेचना शुरू किया कि ये ईस्ट का एक सैंपल है इसको आप जब पुट करेंगे डो में तो वो इतने अमाउंट में इतने टाइम में जो है वो फर्मेंट हो जाएगा तो एक तरीके से प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर दिया गया ओके तो कि किसके थ्रू किसके द्वारा के द्वारा रोम रिवोल्यूशनाइज द ब्रेड मेकिंग टेक्निक तो एक ये कर्ड मेकिंग का ये बॉक्स दिया हुआ है कि कर्ड एक्चुअली में कैसे बनती है जैसे कि हम कोई भी फ्रेश मिल्क ले लेते हैं जिसको हम बॉईल कर लेते हैं हंड्रेड डिग्री पे फिर उसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं रूम टेम्परेचर पे थर्टी सेवन डिग्री पे ला देते हैं उसके बाद क्या करते हैं उसमें थोड़ा सा हम और एक टी स्पून जो पहले से जमा हुआ कर्ड है वो आज आ, आ, उसमें ऐड कर देते हैं ठीक है ऐड अ टी स्पून ऑफ वन डे ओल्ड कर्ड एंड लीव ऑन फॉर फोर टू तो फाइव आवर्स ठीक है अब इसको 37 रूम टेम्परेचर पे 37 डिग्री पे रख देते हैं तो ये मिक्सचर जो है पूरा का पूरा कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो कैसे कन्वर्ट होता है कैसे क्या हुआ होगा ये तो हम ट्रेडिशनल नॉलेज देख रहे हैं कि ऐसे मिल्क को हमने एक टीस्पून उसमें और कर्ड डाल दिया तो पूरा का पूरा मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट हो गया पर उसके पीछे की साइंस क्या कहती है ये कहती है कि जो कर्ड हमने एक टी स्पून डाला है उसके अंदर जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो हमें मिला कि उसके अंदर होता क्या है एक्चुअली उसके अंदर लैक्टोबैसेलाय बैक्टीरिया होता है कर्ड के अंदर तो वो लैक्टोबैसेलाय बैक्टीरिया फ्रॉम द कर्ड रिएक्ट विद द मिल्क प्रोटीन कैसीन मिल्क में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है कैसी अब ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है जब ग्रो करता है अपनी संख्या बढ़ाता है जो आ, मिल्क है उसके अंदर बहुत सारा ग्लूकोज भी होता है उसको खाता है और अपनी संख्या बढ़ाता है डिवाइड करता है तो जब डिवाइड करता है तो उस डिवीजन की प्रोसेस में ये एक आ, आप कह सकते हो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है और वो आ, क्या कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है ओके तो ये लैक्टिक एसिड इस कैसिन प्रोटीन से रिएक्ट करता है ठीक है ये लैक्टिक एसिड क्रैसी प्रोटीन जो कि मिल्क में रहता है उससे रिएक्ट करता है और उस प्रोटीन को डिफॉर्म कर, कर देता है या उसका नेचर चेंज कर देता है ठीक है हर एक प्रोटीन का एक पीएच होता है जिस उस पीएच के ऊपर वो स्टेबल होता है अब लैक्टिक एसिड क्या करता है जब बैक्टीरिया ग्रो करता है तो बहुत सारा एसिड प्रोड्यूस होता है जिससे कि Uh, जो दूध का जो पीएच है वो चेंज हो जाता है और पीएच चेंज होने से जो उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है कैसे वो भी डिफॉर्म हो जाती है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है जो कि हमें कर्ट के फॉर्म में फिर दिखने लगता है इसीलिए जब हम uh, दूध में जामन डालते हैं दूध में जो वन टेबल स्पून कर्ट डालते हैं तो डालते ही हमारा दूध नहीं कर्ड बन जाता है उसके लिए चार से पांच घंटे लगते हैं ये जो चार से पांच घंटे लगते हैं वो क्या होता है उस दौरान उस दौरान ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ये अपनी संख्या बढ़ाता है और जब संख्या बढ़ाएगा तो लैक्टिक एसिड उसका बाय प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस होगा और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा तो हमारा मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा देन लैक्टिक एसिड फॉर्म एज अ बायो प्रोडक्ट डी नेचर द ग्लोबुलर प्रोटीन जो कैसीन है वो एक ग्लोबुलर प्रोटीन है ठीक तो है, है, uh, है, है और जो उसके अंदर वाटर है मिल्क के अंदर uh, बहुत सारी चीजें होती है वाटर भी होता है तो वाटर अलग हो जाता है उसमें थोड़ा सा जब दही आप जो देखते हो जमा हुआ तो थोड़ा सा पानी जैसा भी दिखता है ना तो उसको हम वे कहते हैं और जो थक्का रहते है, वो को तो हम दही कहते हैं या कहते हैं, पे आपको फिगर में दिख रहा होगा मटेरियल इंटू सेमी सॉलिड सॉर टेस्टिंग प्रोडक्ट तो सॉर टेस्ट इसी वजह से आता है लैक्टिक एसिड की वजह से आता है ओके सो टू फे सेपरेशन ऑफ कर्ड एंड वे ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ये कर्ड है और जो वाटरी सब्सटेंस है वो वे है ओके सो so, इस तरीके से हमने देखा कर्ड मेकिंग प्रोसेस ओके सो द चाइनीज वर आल्सो यूजिंग फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी बाय 400 हंड्रेड बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट 4000 थाउजेंड बी से पहले ही वो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी जानते थे चाइना भी काफ़ी इसमें एडवांस था फॉर प्रोडक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल फूड आइटम्स सच एस सोया सॉस सोया सॉस बनता था चाइना में आप अभी भी डालते हो चाउमीन वगैरह में सोया सॉस अंडरमेंटेड वेजिटेबल्स नहीं पता थी कि कैसे होता है एक prior art या जैसे आपको ट्रेडिशनल नॉलेज के फॉर्म में था बाय प्रिजर्विंग क्रस्ड डेट्स फॉर ए लॉन्गर टाइम द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग एनिमल फूड्स बाय ड्राइंग स्मोकिंग एंड पिकलिंग इन द ब्राइन व पॉपुलर इन प्री हिस्टोरिक ईस्ट एंड यूरोप तो जैसे फूड जैसे मीट है उसको प्रिजर्व करना था तो क्या करते हैं स्मोकिंग कर देते थे या उसको सुखा देते थे तो उसमें सारा मॉइस्चर निकाल देते थे ताकि मीट को हम बहुत दिनों तक यूज़ कर सकें क्योंकि वहाँ बहुत ठंड पड़ती है हमेशा शिकार तो नहीं कर सकते हैं तो इस वजह से वहाँ पर मीट को भी प्रिजर्व करके बाद में यूज़ करके रखना है तो पिकलिंग अचार बनाने की प्रोसेस ये सब वहीं ईस्टर्न यूरोप और Uh, से शुरू हुई ओके सो बियर मेकिंग में कहा कि बियर मेकिंग भी एकाएक नहीं शुरू हुई मतलब कई बार देखा होगा कि कुछ पानी में भी गया वीट या मिलेट और वो सड़ने लग गया सड़ने लग गया तो उससे अल्कोहल प्रोड्यूस हुआ फिर उन लोगों ने उसको टेस्ट किया चखा तो उनको अच्छा लगा तो उससे वो बियर बनाने के प्रोसेस शुरू हो गए तो एक दिन में नहीं होगा ये धीरे-धीरे लोगों के ऑब्जर्वेशन में आते-आते आया होगा ओके सो ब्रीविंग वाज़ कंसीडर्ड एज एन आर्ट ठीक है एज एन आर्ट अंटिल द 14th सेंचुरी एडी ओके हाउएवर अर्ली ब्रीवर्स हैड नो प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट द माइक्रोबियल बेसिस ऑफ फर्मेंटेशन तो स्टार्टिंग में जो ब्रूअर्स थे जो ये बियर बनाते थे उनको फर्मेंटेशन के पीछे की साइंस नहीं पता थी बस वो बोलते थे कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है तो वो चीज फिर पास ऑन होने लगी ओके सो वाइन वाज प्रोबेबली मेड बाय एक्सीडेंट व्हेन ग्रेप जूस वाज कंटामिनेटेड विद यीस्ट एंड अदर माइक्रोब्स तो इस तरीके से वाइन का

सो नाइनटीन सेंचुरी विटनेस एंड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन स्केल ऑफ फर्मेंटेशन बेस्ड प्रोडक्ट सच एस ग्लिसरॉल नाइनटीन सेंचुरी में फर्मेंटेशन बेस्ड बहुत सारे प्रोडक्ट्स नए नए बने जैसे ग्लिसरॉल एसिटोन ब्यूटेनॉल लैक्टिक एसिड सिट्रिक एसिड एक्सेट्रा सो इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन वॉज इस्टिश अब ये सब तो पहले आर्ट के फॉर्म में घरों में बनता था ठीक है बट इनका बाद में ऑप्टिमाइज करके प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करके जब हमें पता चल गया कि इसके पीछे एक माइक्रोब रिस्पॉन्सिबल है तो उस माइक्रोब को आइसोलेट करके हमने उन प्रोसेस को इंडस्ट्रियल स्केल पे करना शुरू कर दिया और ज्यादा अमाउंट में चीजों को प्रोड्यूस करना शुरू किया तो यहीं से फिर बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत होती है एक तरीके से आर्ट से अब ये साइंस का रूप लेती जा रही थी ओके सो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लिसरॉल फॉर एक्सप्लोजिव तो जर्मनी ने काफी कुछ बनाया क्योंकि उनको वर्ल्ड वॉर वन में एक्सप्लोसिव बनाने के लिए ग्लिसरॉल की काफी जरूरत थी बाय नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट वॉज मेड टू टेक्निक्स इन्वॉल्विंग स्टेलिटी मेंटेनेंस एरिएशन मैथड प्रोडक्ट आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन मेंटेनेंस मतलब कि कंटामिनेशन ना हो ठीक है जिस माइक्रोब को हम चाहे ग्रो करना केवल वही ग्रो हो अदरवाइज कोई और माइक्रोब इन्वायरमेंट से जैसे पहले एक्सीडेंटली हमें वो माइक्रोब ग्रो करते हुए मिल गया ऐसे एक्सीडेंटली हमारा जो हम बनाना चाहते हैं वही बने कुछ और ना बन जाए कुछ पॉइजनस ना बन जाए तो स्टेराइल होना भी जरूरी है स्टेराइल मतलब उसमें कोई भी अदर कंटामिनेशन नहीं हो माइक्रोब का जिस माइक्रोब को हम चाहें केवल वही वाला माइक्रोब ग्रो हो ठीक है इसका ये मतलब एरिएशन मैथ मतलब कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो तो हम एरिएशन को का भी इंतजाम करते हैं मतलब कि अगर कोई माइक्रोब जो है वो सी ओ टू में अच्छा कार्बन आ, मतलब वो उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए ग्रो करने के लिए तो हम वहाँ से ऑक्सीजन कट ऑफ कर दें उसको सी ओ टू चाहिए तो हम सी ओ टू अलग से प्रोवाइड करें ताकि वो जल्दी से जल्दी ग्रो करे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड दे तो हमने चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना शुरू कर दिया है ओके प्रोडक्ट आइसोलेशन, तो जो वो प्रोडक्ट बना रहा है जैसे अल्कोहल बना रहा है इथेनॉल बना रहा है तो उसको हम आइसोलेट करें उसके साथ कई बार आइसोलेशन में कुछ इम्प्योरिटीज भी आ जाती हैं, तो प्योर इथेनॉल हम बनाए प्योर अल्कोहल हम बनाए तो प्योरिफिकेशन की भी प्रोसेस तो इन सब चीज़ों को हमने धीरे धीरे करके और अच्छा करना शुरू किया और इम्प्रूवमेंट करना शुरू किया और ज्यादा इंडस्ट्रियल स्केल पे लार्ज स्केल पे करना शुरू किया तो हमने इसको फिर बायोटेक्नोलॉजी कहना शुरू कर दिया राइट सो वर्ल्ड वॉर टू वॉज द कैटलिस्ट विच लीड टू द इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न फर्मेंटर अब अब पहले ये क्या था कि घरों में छोटे छोटे बर्तनों में या इस तरह से होता था अब क्या है ये इंडस्ट्रियल स्केल पे होने लगा इसके लिए बड़े बड़े बायो रिएक्टर्स बनाए गए बड़े बड़े जैसे आप फिगर में देख सकते हो ना ये सब बायो रिएक्टर्स है ठीक है so, सो वेस यूज फॉर फर्मेंटेशन ऑल्सो कॉल्ड बायो रिएक्टर फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक पेंसिलिन अब पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक था जिसका कि यूज वर्ल्ड वॉर टू में बहुत हुआ लोगों के घाव लगते थे चोट लगते थे उनसे उनको घाव भरने के लिए हीलिंग के प्रोसेस में एंटीबायोटिक पेंसिलिन काफी का यूज हुआ सो टुडे मेनी केमिकल सचस एंटीबायोटिक्स अमीनो एसिड्स हॉर्मोन्स पिगमेंट्स एंड इवन एंजाइम्स आर प्रोड्यूस विद एक्सट्रीम प्रिसीजन इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल बायो रिएक्टर्स और आज के समय में हम बहुत सारे एंजाइम्स, हॉर्मोन्स पिगमेंट्स बहुत सारी चीज़ें जो है हम कंट्रोल वे में बायो रिएक्टर्स के थ्रू बना रहे हैं और बहुत सारी मेडिसिन की कंपनियाँ उनको मार्केट करके बेच रही हैं और लोग उसका यूज़ कर रहे हैं तो ये है एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी का जिससे हमारी लाइफ हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है जैसे इंसुलिन जो डायबिटिक के पेशेंट हैं उनको इंसुलिन का इंजेक्शन तो इंसुलिन एक हार्मोन है तो वो हार्मोन हम अब बायो रिएक्टर्स में आर्टिफिशियल तरीके से प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसको हम मार्केट करके जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उन तक पहुंचाते हैं ताकि वो एक्सटर्नली सोर्स से इंसुलिन लें और उनकी लाइफ की क्वालिटी काफी हद तक बढ़ जाती है काफी हद तक हो जाती है तो ये है तो एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी का देन फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी वॉज लेट डाउन विद द एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द एटींथ एंड द सेंचुरी ओके तो जो मॉडर्न uh, बायोटेक्नोलॉजी का फाउंडेशन है वो एटींथ और नाइनटीन सेंचुरी में रखा गया बट इससे पहले एकाएक एक नहीं आ गया ये ठीक है इससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने माइक्रोब्स की खोज की उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि ये सब चीज़ें माइक्रोब्स के थ्रू होती है ना कि किसी भगवान के प्रकोप से होती है ना किसी जादू टोने से होती है ना ही गोबर से कोई कीड़ा बन निकलता है ये सब चीज़ें बहुत धीरे धीरे करके बहुत सारे साइंटिस्ट ने खोज की तब जा कर के हम जो है अब इन सब चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कर पाएँ जैसे कि अगर हम शुरुआत से देखें कि कैसे शुरू हुई चीज़ें तो फर्स्ट uh, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है अब माइक्रोस्कोप का रोल बहुत अच्छा आता है क्योंकि अगर हम माइक्रोस्कोप नहीं देखेंगे तो हम जो छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं जो कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे उनको देख नहीं पाएंगे तो हम ये स्टैब्लिश कैसे कर पाएंगे कि फर्मेंटेशन के लिए यही माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल है तो उसके लिए तो हमें माइक्रोस्कोप चाहिए तो माइक्रोस्कोप एक बहुत ही रेवोल्यूशनाइजिंग जो है टेक्निक थी माइक्रोस्कोपी जिसकी की वजह से हम आज यहाँ तक पहुँच पाएँ ठीक है बहुत सारी चीजें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो साइज में काफी छोटी होती हैं देन सबसे पहले डच स्पेक्टिकल मेकर चश्मा बनाने वाले एक व्यापारी जो थे अ जैक रीस जेनसेन इन 1590 व्हिच कुड मैग्नीफाई अबाउट 3 इनटू uh, 9 इनेबल ह्यूमंस टू सी थिंग्स दैट वर नॉट परसीव्ड बाय नेकेड आई तो सबसे पहले एक चश्मा बनाने वाले व्यापारी ने 1590 में सबसे पहले अपने लेंस के थ्रू कुछ माइक्रोब्स देखे जो कि हम खुली आंखों से नहीं देख सकते थे उसके बाद जो है 1665 हंड्रेड में रॉबर्ट होगी आप सब पहले भी पढ़ चुके हैं जो कि एक फिजिसियस थी मतलब एक साइंटिस्ट थे एग्जामिन थिन स्लाइसड कॉर्क एक बार पेड़ की छाल उन्होंने देखी एंड यू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जैसे इस तरह से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऐसे ऐसे करके उन्होंने दी और इसका नाम उन्होंने सेल रखा ठीक है आज भी हम इसको सेल के फॉर्म में ही कहीं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिया जिसको कि ही कॉइन द टर्म सेल्युल जिसको एक लैटिन का वर्ड होता है जिसका का मतलब होता है स्मॉल चैम्बर्स इन 1676 उसके बाद 1676 में एंटोनी वॉन लेवन एंटोनी वॉन लिवन हुक जो है एक डच जो है वो व्यापारी थे ए डच शॉपकीपर जो कि लेंसेज बनाते थे सो लिविंग ऑर्गेनिज्म और इनको बहुत शौक था छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग चीजों को अपना जो ये लेंस बनाते थे इनका लेंस का ही बिजनेस था उनको बहुत शौक था कि हर एक चीज को वो इस लेंस के नीचे देखते थे और उन्होंने पॉन्ड के वाटर को देखा और उसमें उन्होंने छोटे 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 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे जिसका नाम उन्होंने एनिमल क्वीलीज रखा छोटे-छोटे एनिमल्स ठीक है जो कि से नहीं दिखते हैं ड्यूरिंग द सेल थ्योरी वॉज डेवलप और इसी दौरान एटीन सेंचुरी में सेल आई। सेल थ्योरी क्या कहती है सेल थ्योरी ये कहती है कि जो सेल है हर एक ऑर्गेनिज्म कम से कम एक सेल से तो बना ही बना है चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो ठीक है तो जो Uh, जो बेसिक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लाइफ है ठीक है जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है सेल हर एक ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना है विदाउट सेल लाइफ पॉसिबल नहीं है ओके okay? सो so, ये है सेल थ्योरी सेल थ्योरी यही कहती है कि हर एक ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ एटलीस्ट वन सेल ओके सो ड्यूरिंग द एटीन सेंचुरी सेल थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट ये इंपॉर्टेंट है सेल थ्योरी किसने दी थी मैथिस एंड थियोडर स्वान ने ठीक है मैथियस स्लाइडन एक बॉटनिस्ट थे एंड थियोडोर स्वान एक जुलॉजिस्ट थे और दोनों ने साथ में सेल थेरी दी और कहा कि हर एक एनिमल और हर एक प्लांट के अंदर सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है हु डिटरमाइंड दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज वर कंपोज ऑफ सेल्स इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन था कि जैसे कि जो नए नए ऑर्गेनिजम्स हम देख रहे हैं इतने सारे तरह के कीड़े मकौड़े प्लांट्स एनिमल्स इनका कभी ना कभी तो ओरिजिन हुआ होगा कैसे आए होंगे अर्थ के ऊपर तो लोग ये कहते थे कि जो नॉन लिविंग चीज़ें जैसे गोबर है मिट्टी है कीचड़ है इनसे इन ऑर्गेनिजम्स इन का जो है जन्म हुआ है ठीक है मतलब नॉन लिविंग चीजों से लिविंग चीजों का जन्म हुआ है तो इस थियोरी को पहले लोग समझते थे तो एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था 1858 में जब सेल थियोरी आई थी उसी वक्त इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया पहली बार कि ये भी एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे और उन्होंने कहा कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ई सेलुला इसको इन्होंने टर्म था लैटिन में कि ई सेलुला मीन कि हर एक सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आती है ऐसा नहीं है कि धूल मिट्टी या कीचड़ से नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं ठीक है एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन में पूछा जाता है हु रिगार्डेड द ए बायोजेनेसिस थ्योरी ए बायोजेनेसिस थ्योरी क्या थी कि हम सब कीड़े मकोड़े ये सब चीज़ें जो है लाइफ जो है का ओरिजिन नॉन लिविंग थिंग से हुआ इसको हम ए बायोजेनेटिक थ्योरी कहते हैं लेकिन बाद में इसको डिसअप्रूव कर दिया गया तो आई होप कि आपको अभी तक का टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा इसकी आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे थैंक यू सो मच